स्टूडेंट्स वेलकम टू दवर चैनल ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। आज हम पीजीटी केमिस्ट्री एचटेट एग्ज़ाम जो सैटरडे को 16 नवंबर 2019 को हुआ था उसके आंसर की अपलोड कर रहे हैं। जिस आंसर से मैंने एन लिखा हुआ है दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस, सो विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ न्यू एक्सप्लेनेशन मैं अभी केवल आंसर की आपको बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप चाहो तो हम एक्सप्लेनेशन के साथ ही बताएंगे। फर्स्ट है 91 क्वेश्चन है द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। स्टूडेंट दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन 4 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका आंसर है, क्योंकि बेंजीन पे जितने भी रिएक्शन होती हैं नाइट्रेशन सल्फोनेशन हैलोजिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दीज आर ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Which of the following in NMR spectrum tells about how many protons of each kind are there in the molecule? So student, ये BSC का question है। तो splitting of signals जो होता है, signals कैसे split होंगे, doublet बनेगा, triplet बनेगा, quartet बनेगा, ये depend करता है कि how many types of protons of each kind। तो splitting of signals should be the right answer। The spin only magnetic moment in the strong field D6 complex. अब देखिए D6 का complex है और strong field है और strong field ligand क्या करते हैं pairing करते हैं student, और pairing करेंगे तो सारे एक भी unpaired electron नहीं बचेगा और n की value कितनी आएगी 0, तो magnetic moment भी 0 आएगा। तो option 2 is the correct answer। Glucose on reaction with the bromine water, glucose bromine water साथ reaction करके student बनाता है gluconic acid, क्योंकि दोस्तों एन एक्जिन तो तब बनेगा तब होगा एच आई फॉस्फोरस साथ रिएक्शन हो, सैक्रिक एसिड तब बनेगा जब कंसनट्रेटेड एच एन ओ 3 के साथ रिएक्शन हो। सो ग्लूकोनिक एसिड इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें एल डी एड ग्रुप जो है ग्लूकोज का वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्लूकोनिक एसिड इज द कार्बन इंपॉर्टेंट। तो 95 क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड और इसमें रिएजेंट है क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो स्टूडेंट्स क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज HVZ रिएक्शन। और HVZ रिएक्शन के अंदर क्या होता है अल्फा हैलोजिनेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से जो नेक्स्ट कार्बन है ना अल्फा उस पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हैलोजन लगा दो, तो सेकंड कार्बन पे अगर क्लोरीन आ जाएगा तो बनेगा 2-chloro-butanoic एसिड। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोग। तो पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट पैन कहते हैं इसको, ओजोन भी है और नाइट्रोजन कोई भी ऑक्साइड हो। तो स्टूडेंट फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर PAN पैन ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग, नाइट्रोबेंजीन TNCl डालेंगे एनिलीन बनेगा, एनिलीन में NaNO2HCl डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन BDC सॉल्ट बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो स्टूडेंट फिनोल बनेगा। तो ऑप्शन 4 फिनोल इज द करेक्ट आंसर। फॉर द फॉलोइंग 98 पे आते हैं, फॉर द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH NaCl एंड बेरियम क्लोराइड मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है आपको वैल्यूज, आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोलरा जल अप्लाई कर देंगे तो बेरियम कहाँ पे आ रहा है बेरियम क्लोराइड में, हाइड्रोक्साइड दो आयन है तो NaH को मोलर कंडक्टिविटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे NaCl वो भी 2 के अंदर, तो आंसर आएगा 523.2 × 10⁻⁴ इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द ई नोट ऑफ द सेल, यहाँ पे जिंक का और कॉपर का आपको स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल का फार्मूला होता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, सबको पता है कैथोड किसको मानेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो -0.17 - 0.76 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर विल कम टू बी 0.59 वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ द बाल ऑफ द मास 100 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 m/s, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, H 6.62 × 10⁻³⁴, एम की वैल्यू वहाँ पे मास ग्राम में दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे एक गलती मत कर देना क्योंकि मास ग्राम में है और मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, तो 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना मत भूलिए, नहीं तो क्योंकि आंसर गलत आएगा और वो एक ऑप्शन में मैच भी करेगा। तो मास होगा 100/1000 कर देंगे और वेलोसिटी आपको दी हुई है, तो आंसर विल कम्स आउट टू बी 6.6 × 10⁻³⁴ मीटर वेवलेंथ। ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सो लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एम्बिडेंटेड लिगेंड सर्च कर लो। एम्बिडेंटेड लिगेंड अमोनिया नहीं है, नाइट्रो है एम्बिडेंटेड लिगेंड, मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बाकी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। अमोनिया नहीं है, वाटर नहीं है, अमोनिया नहीं है, क्लोरीन नहीं है, वाटर नहीं है, तो नाइट्रो इज द लिगेंड विच इज एम्बिडेंटेड। नाइट्रो का होता है ओ एन ओ, नाइट्राइटो, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन, स्टूडेंट इस हाफ सेल रिएक्शन के अंदर एन की वैल्यू एक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालते हैं। ई एम एफ इज द ई नॉट ऑफ ए जी पॉजिटिव टू ए जी आर टी बाई एफ, या यहाँ माइनस आता था तो कंसनट्रेशन थी वन अपॉन ए जी पॉजिटिव, तो प्लस करती कंसनट्रेशन अपर आ गई, तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। द प्रिंसिपल इमल्सीफाइंग एजेंट फॉर द ऑयल वाटर इमल्जन इज, सो स्टूडेंट इसका आंसर है नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अमोंग द फॉलोइंग, फ्लोरिन क्लोरिन फ्लोरिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। ये क्यों होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन बाद ऑक्सीजन, फिर तो पीरियड्स में चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपको पता ही है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट लग जाता है, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, तो फ्लोरिन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन कार्बन। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी आयन्स आर प्रोड्यूस फॉर द कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, तो एक ही आयन बनेंगे, दो आयन बनेंगे बाहर क्लोरीन से, तो टोटल आयन हो गए तीन। ये नेम रिएक्शन है टोलविन टू बेंजल्डिहाइड, दिस इज इटार्ड रिएक्शन, और बेंजल्डिहाइड से टोलविन आते हैं तो वापस हो जाती है क्लेमेंसन, तो दिस इज इटार्ड रिएक्शन। द कार्बोनिल कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन एडिशन ऑफ एस सी एन, एस सी एन के एडिशन करेंगे तो मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होगा स्टूडेंट? देखो एस सी एन के साथ एडिशन करेंगे तो एल डी हाइड्रोकेटोन पे होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो बात पे डिपेंड करती है, एक तो एल डी हाइड्रोकेटोन में फास्ट होती है एल डी हाइड के अंदर, तो कीटोन के अंदर तो हो नहीं सकती, तो ऑप्शन टू थ्री फोर रह गए। अब स्टीरिंग हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लेस हिंड्रेंस साइड से करेगा, तो स्टीरिंग हिंड्रेंस सबसे कम फॉर्मल्डिहाइड में होता है, तो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट के पीछे केमिस्ट्री है, द कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट थ्री अल्फा हाइड्रोजन। अब तीन अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, तो इसका आंसर ही फॉर्मल्डिहाइड होगा, और बाकी जिसमें सी ओ सी एस थ्री ये ग्रुप आ जाए, सी ओ सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री। अब सेकेंड ऑप्शन सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी कीटोन बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन के अंदर भी सी ओ सी एस थ्री ग्रुप आ रहा है, और फोर्थ ऑप्शन में भी सी ओ सी एस थ्री ग्रुप आ रहा है, तो ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर। 109 पे आते हैं, द ओजोनोलिसिस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किन गिव्स प्रोपेन टू ओन और मिथेनल, मिथेनल प्रोपेन टू ओन, इसमें ओजोनोलिसिस रिएक्शन से बनेगा टू मिथाइल प्रोपीन, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन से मिथेनॉल बनता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कॉपर जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 विल बी द करेक्ट आंसर। ब्रोमीन ऐड करते हैं इथिन के अंदर NaCl की प्रेजेंस में, तो स्टूडेंट यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपकी, और दो न्यूक्लियोफाइल की पॉसिबिलिटी है, Br नेगेटिव Cl नेगेटिव, तो ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। और इथीन के अंदर HBr ऐड करते हैं CH3CH2Br, तो स्टूडेंट एल्कीन के ऊपर एडिशन रिएक्शन होती है, पहले H पॉजिटिव ऐड होगा तो 112 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ चालकोजेंस, चालकोजेंस फैमिली होती है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, तो सेलेनियम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन इफ द प्रेशर इंक्रीज। अब देखो लीच एटलर प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, प्रेशर को जैसे इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में डिक्रीज करते हैं, यहाँ पे टू मोल से देखो वन मोल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे, तो लीच एटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे दो से चार की तरफ मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से दो से एक नंबर मोल की तरफ, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में किस में जाएगी, थर्ड ऑप्शन के अंदर। कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म है, फॉस्फोरस आ गया जो केमी लुमिनेशन शो करता है, ऑप्शन है वाइट फॉस्फोरस। ऑक्सीडेशन स्टेट ईच ऑक्सीजन इन KO2 और पोटाशियम ऑक्साइड, ये होता है सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड में O2 पे चार्ज होता है -1, तो एक O2 पे -1 है, तो एक O2 पे -1 है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1/2, तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द इमल्जन। स्टूडेंट इसमें हल्का सा थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इमल्जन होते हैं ऑयल प्लस वाटर, लिक्विड प्लस लिक्विड कंपोनेंट होता है, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों कंपोनेंट लिक्विड होते हैं, तो अगर हम दिमाग लगाएं तो दे कैन बी डायल्यूटेड बाई डिस्पर्ज लिक्विड, डायल्यूट तो होंगे नहीं है क्योंकि दोनों कंपोनेंट आपस में मिक्स नहीं होते। दे कैन बी ब्रोकन इन टू कॉन्स्टिट्यूएंट, सेंट्रीफ्यूगेशन कितना भी कर लो ये ब्रोकन डाउन नहीं होते। टिंडल इफेक्ट शो करेंगे क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन है, टिंडल इफेक्ट तो शो करेंगे, लेकिन इसमें डाउट है कि ब्राउनियन मोशन शो करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ब्राउनियन मोशन के लिए हमने पढ़ रखा है कि एक कंपोनेंट सॉलिड होना जरूरी है। तो आई थिंक सेकंड शुड बी द राइट आंसर, इसमें थोड़ा सा डाउट है। डेल्टा जी फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज ए कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो सबको पता है डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, सो ऑप्शन टू लेस देन जीरो विल बी द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स 119 क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द आयरन इज द स्क्वायर पिरामिडल, तो XeO3 प्लस XeOF4, XeO3 टेट्राहेड्रल होता है, ये पिरामिडल है, XeO2 लीनियर है, XeF4 है स्क्वायर प्लेनर है, XeOF4 ये स्क्वायर पिरामिडल है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर द डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड, स्टूडेंट्स एंगुलर नोड्स निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एजीमिथल क्वांटम नंबर। एजीमिथल क्वांटम नंबर डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे एंगुलर नोड्स भी 2 ही आएंगी, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH, तो दिस इज कार्बिल एमीन रिएक्शन और कार्बिल एमीन रिएक्शन में आइसोसाइनेट बनते हैं, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इनेंशियोमर्स आर डिफरेंट, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो, और डेक्स्ट्रो और लीवो क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, तो प्लेन पोलर राइट को इक्वल राइट में डायरेक्शन रोटेट करते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो, तो डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन आंसर आएगा। द मोनोमर्स ऑफ द ग्लिप्टल आर, तो स्टूडेंट ग्लिप्टल के मोनोमर्स क्या होंगे, ग्लिप्टल के मोनोमर्स होते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, अगर ये टेरिलिन होता तो इथाइलिन ग्लाइकोल और टर्थैलिक एसिड हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो सबको पता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, सुक्रोज होती है, क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप इंटैक्ट होता है, कीटोन के अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज, तो फ्रक्टोज हालांकि कीटोन ग्रुप शो करता है लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज इंटरकन्वर्टिबल है बाय लोबरी डी ब्राउन 1 कंस्टेंट रीअरेंजमेंट, सो सुक्रोज विल बी द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे इसके बाद